हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जेन जो होता है वो उसे ड्रैगन किंग एकेडमी का ट्यूटर बनने के लिए उसे 3 असेसमेंट को पास करना होता है, जिसमें से पहले टेस्ट को वो मात्र 5 मिनट में ही पास कर लेता है। और अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहां हम मिस्टर लुशियन को देखते हैं, जो लगता है कि जेन से उसके पूछने जरम का बदला ले रहा होता है। यहां वो उसे कहता है कि सिर्फ एक टेस्ट में पास करना ट्यूटर बनने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि किसी ट्यूटर में सिर्फ स्ट्रेंथ का होना ही अकेले काफी नहीं है। इसीलिए तुम्हें दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्रोफेशनल हॉबीज में से किसी एक को चूज करना होगा, ताकि हम उसमें से तुम्हारा टेस्ट ले सकें। जिस पे जेन उनसे कहता है कि आप मेरा टेस्ट मेडिकल स्किल्स में ले सकते हो। अब मेडिकल स्किल का सुनते ही जो जियांगजू होती है वो सोचने लगती है कि ये काफी यंग लगता है, इसने मेडिकल स्किल को अपने अगले टेस्ट के लिए चुना है। तो मिस्टर लुशियन जो है जरूर इसके लिए एक ऐसे इंजर्ड पर्सन का जुगाड़ करेंगे जिसे ट्रीट करना नामुमकिन होगा। और अब मिस्टर लुशियन वैसा ही करते हैं, वो एक बंदी को वहाँ पे बुलाते हैं जिसका नाम इरीना होता है। यहाँ वो जेन से कहते हैं कि अगर तुमने इरीना की लाइलाज बीमारी का पता लगा लिया और इवन उसे हील कर दिया तो तुम्हें इस टेस्ट में भी पास कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम इसकी बीमारी को क्योर नहीं कर पाए तो तुम्हें अभी के अभी इस ड्रैगन किंग एकेडमी को छोड़ के जाना होगा। अब इस बात को यहाँ जुआंजू जानती थी, इसीलिए वो यहाँ पे मिस्टर लुशियन से कहती है कि यहाँ पे जेन के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसीलिए उस इंजर्ड पर्सन को मैं चूज करूंगी। लेकिन जेन यहाँ पे जुआंजू को ये कहते हुए मना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मिस्टर लुशियन है वो जान बुझ करके मुझे इस तरह का डिफिकल्ट टेस्ट नहीं देंगे। आगे यहाँ पे जेन का दूसरा टेस्ट शुरू होता है, जहाँ इरीना से ये पूछने पे कि वो कैसा फील करती है। इरीना यहाँ पे बताना शुरू करती है कि पता नहीं मेरे अंदर की बीमारी क्या है, लेकिन मैं रिसेंटली काफी ज्यादा वीक महसूस करती हूँ और मेरी मेंटल कंडीशन भी अच्छी नहीं रहती। साथ ही मैंने कई सारे डॉक्टरों से भी इसकी वजह जानने की कोशिश की है, लेकिन वे सभी भी मुझे क्योर करने में नाकाम रहे। अब यहाँ पे मिस्टर लुशियन जो होते हैं वो जेन को इसी की इलनेस का पता लगाने को कहते हैं, साथ ही उसका क्योर भी करने को कहते हैं, तभी जेन यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर पाएगा। अब ये जो इरीना होती है वो इसी मिस्टर लुशियन की सेक्रेटरी होती है, इसीलिए जो जियांजू होती है वो कहती है कि वो इस टेस्ट के लिए रेफरी बनेगी, ताकि अगर इरीना यहाँ पे कोई नाटक करे तो उसे पता चल जाए। आगे टेस्ट को शुरू किया जाता है, जहां सबसे पहले जेन इरीना के नर्व्स को चेक करता है और उसके सभी बीमारी के सिम्टम्स को बताना शुरू करता है। इस पे इरीना जैसे ही हाँ में जवाब देने वाली होती है, मिस्टर लुशियन उसे इशारा करते हैं कि वो यहां पे ना कहे। इरीना वैसा ही करती है, जिसपे जेन यहां समझ जाता है कि इन दोनों की आपस में खिचड़ी पक रही है। इसलिए जेन जो होता है वो अब इरीना के उसके एक्यूपंचर को हिट करने के लिए कहता है। जब इरीना अपने एक्यूपंचर वाले जगह पे हिट करती है तो उसे शार्प पेन महसूस होने लगता है, जिसपे जेन उसे कहता है कि तुम्हारी कंडीशन आगे जाके और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये जो बीमारी है अब तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा फैल चुकी है कि अब वे तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर रही है और आगे कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तुम एक डिजेबल पर्सन बन सकती हो या इवन तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब ये सुनते इरीना काफी ज्यादा घबरा जाती है और जेन से पूछने लगती है कि आखिर मुझे हुआ क्या है, मेरे अंदर कौन सी बीमारी है जो इतना सीरियस हो चुकी है। जिसपे जेन उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव है तो मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है कि तुम्हें यहाँ पे किसी और की बातों में नहीं आना होगा। अब आगे इरीना इस कंडीशन पे मान जाती है और उस टेबल पे लेट जाती है, जहाँ हम आगे देखते हैं कि जो जेन होता है उसके एक्यूपंचर पॉइंट को हिट करता है, जिसपे अब इरीना एक अलग ही रियल में पहुँचती है और उसके अंदर जो अलग अलग तरह के मेरिडियंस होते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब इस हीलिंग की प्रक्रिया में उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो बताती है कि वो काफी लाइट फील कर रही है। और आगे जेन के ये पूछने पर कि क्या मैंने तुम्हें हील कर दिया, यहाँ इरीना कुछ अलग ही दुनिया में होती है और एक बार में ही उसके सवाल का ये जवाब देती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। आगे यहाँ जेन मिस्टर लुशियन से पूछ रहा होता है क्या मैंने अपने इस सेकंड टेस्ट को भी पास कर लिया है, जिसपे जियांजू जो की रेफरी होती है वो कहती है कि जबकि इरीना जो की पेशेंट है उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो अब बेहतर महसूस कर रही है। तो इससे ये साबित होता है कि तुम्हारी ये जो मेडिकल स्किल्स वाला ये जो टेस्ट है उसे भी तुमने पास कर लिया है। लेकिन मिस्टर लुशियन जो होते हैं अब भी उनको बात ये खटक रही होती है। आगे हम जेन को देखते हैं जो कि इरीना से कहता है तुम्हें इसी तरह के फर्दर 2-3 और ट्रीटमेंट्स लेने होंगे ताकि तुम्हारी डिजीज पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन आगे की जो ट्रीटमेंट होगी वो ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें चार्जेस चुकाने होंगे। इस पे अरीना जो कि पूरी तरह से जेन पे लड्डू हो चुकी थी, यहाँ पे जो मिस्टर लुशियन होते हैं अरीना को झिड़कते हुए बाहर जाने को कहते हैं और आगे वो जेन से कहते हैं कि अभी भी तुम्हें एक लास्ट टेस्ट देना बाकी है, तभी हम तुम्हें इस ड्रैगन एकेडमी का ट्यूटर एक्सेप्ट करेंगे।
जिसपे जिन यहाँ इस बात पे एग्री कर जाता है कि अगर वो टीचिंग असेसमेंट को पास कर जाता है जो कि उनका लास्ट टेस्ट होने वाला है तो उसे ड्रैगन किंग एकेडमी का नया ट्यूटर बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मिस्टर लुशियन की भी एक शर्त होती है कि अगर वो टेस्ट पास कर ले तो उसे मात्र केवल 3 महीनों के लिए ही इंटर्नशिप वाला ट्यूटर बनाया जाएगा। और इस टीचिंग असेसमेंट टेस्ट के लिए जो मिस्टर लुशियन होता है वो इस एकेडमी के सबसे बोंद स्टूडेंट को बुलाने का आदेश देते हैं जिसका नाम वो होता है। और अब इस टीचिंग असेसमेंट के लिए उन्हें एक काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर तैयार करवाना होगा। अब आगे एरिना उस बोंदो स्टूडेंट बो को ले आती है और तीसरे टेस्ट के बारे में यहाँ मिस्टर लुशियन जिन को बताना शुरू करते हैं कि तुम्हें हमारी इस एकेडमी के इस स्टूडेंट को जिसका नाम बो है ये इस एकेडमी का काफी अनसक्सेसफुल स्टूडेंट रहा है, यानी कि ये हर साल फेल होता रहा है। और अगर तुम इसे इस तरह से सिखाओ कि ये मात्र अपने एक लेवल पे ब्रेक थ्रू कर ले और सिर्फ ब्लैक आयरन लेवल पे पहुंच जाए तो फिर तुम्हारे इस टीचिंग असेसमेंट टेस्ट को तुम पास कर जाओगे। अब ये सुनते ही जो जियांग जो होती है वो मिस्टर लुशियन से कहने लगती है कि अब की बार आपने तो हद कर दी है क्योंकि ये जो बो है ये शुरू से ही फिजिकली अफेक्टेड है और ये इम्पॉसिबल है कि इस तरह का फिजिकल डिफेक्ट वाला स्टूडेंट एक मैजिशियन या फिर वॉरियर बन जाए अपनी लाइफ में। तो इस जैसे फिजिकली डिफिकल्ट स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉसिबल है कि वो अचानक से ब्लैक आयरन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाए। और हालांकि ब्लैक लेवल आयरन तो इनिशियली स्टेज का लेवल होता है लेकिन फिर भी ये इसके लिए डिफिकल्ट है। आगे वो मिस्टर लुशियन से ही कहने लगती है कि आप जानबूझ करके इसके लिए ऐसे टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसमें यहाँ जेन की हार हो जाए, जिसपे मिस्टर लुशियन उसे जवाब देते हैं कि इस जेन के पास किसी भी तरह का ट्यूटर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरा इस तरह का डिफिकल्टी लेवल वाला टेस्ट इससे लेना कोई नाइंसाफी नहीं है। तो तुमसे ज्यादा इस ड्रैगन किंग एकेडमी के रेपुटेशन की मुझे चिंता है और अगर मैं इसकी टीचिंग एबिलिटी किसी ऑर्डिनरी पीपल पे चेक करवाऊँ तो इसमें अंतर ही क्या रह जाएगा, इसीलिए मुझे इसकी टीचिंग एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए इसी तरह के स्टूडेंट की जरूरत है। अब आगे इनकी इस तरह की बहस को देख करके जो जेन होता है वो यहाँ पे टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन सिर्फ उसकी एक ही कंडीशन होती है कि अगर वो इस टेस्ट को पास कर ले तो फिर उसे ऑफिशियली इस एकेडमी का ट्यूटर बना दिया जाए, ना कि 3 महीनों के लिए इंटर्नशिप पे रखा जाए। अब मिस्टर लुशियन इसकी इस कंडीशन को मान जाते हैं लेकिन इस कंडीशन पे भी ये कंडीशन रखते हैं कि तुम्हें अपनी इस टीचिंग असेसमेंट टेस्ट को मात्र 1 घंटे में ही कंप्लीट करना होगा और इस स्टूडेंट बो को इसके ब्लैक आयरन लेवल तक ब्रेक थ्रू करवाना होगा, जिसपे जेन कहता है कि मेरे लिए आधा घंटा ही काफी है लेकिन इसके लिए मुझे एक शांत रूम की जरूरत है ताकि जब मैं इस स्टूडेंट की ब्रेक थ्रू करने में मदद करूं तो मुझे उस समय कोई डिस्टर्ब ना कर सके वरना इसके परिणाम काफी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। अब आगे उन्हें एक शांत रूम दे दिया जाता है और बाकी सभी लोग बाहर इंतजार करने लगते हैं लेकिन हम वहीं जियांग जो को देखते हैं कि बस उसे एक मिरेकल होने का यहाँ पे वेट होता है। आगे जो जेन होता है वो उस बो से पूछता है कि क्या तुम्हें मरने से डर लगता है, जिस पे वो ना में जवाब देता है तो आगे जेन उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास बस 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि अगर मैं हार गया तो फिर ऑन द स्पॉट ही तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी और दूसरा रास्ता ये है कि अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंट जीत गया तो तुम वापस से रिबॉर्न हो सकते हो और अपने ब्लैक आयरन लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकते हो, जिसपे वो स्टूडेंट यहाँ आत्मविश्वास से भर जाता है और वो ये चांस लेने को तैयार हो जाता है। और इसके इसी निडरता के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस नई सीरीज की स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना ना भूलें।